दोस्तों, अभी मैं आपको लार्वल कलेक्शन के जो कुछ मेथड्स होते हैं उसमें एक होता है पिपेटिंग मेथड, जिसमें हमें हमारे पास ये मैंने पहले भी आपको बताया था एक लेक्चर में कि यहाँ से, अब ये बिल्कुल छोटा पानी है तो इसमें हमारा लार्वल डिपर जो है ये वाला नहीं जा सकता, तो इस यहाँ हम ये यूज़ करते हैं और इसको हम यहाँ से पानी निकाल के, जितना भी इतना ज़्यादा पानी नहीं होता इस यानी कि छोटे छोटे गड्ढे जिसमें लार्वल डिपर नहीं जा सकता, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो तकरीबन सब पानी हमने निकाल दिया। अब जिस इसमें अगर लार्वा होगा तो लाजमी है कि वो लार्वा जो है ऊपर आ जाएंगे और दिखेंगे। तो बहरहाल इसमें एक आधा लार्वा है, हाँ बिल्कुल है इसमें, ये बिल्कुल तैर रहे हैं और ये भी एनोफेलिस के ही लार्वे हैं जो आपको इसमें नज़र आएंगे तैरते। तो ये हम यहाँ से फिर शिफ्ट करेंगे, मैं इसको अभी इसी से उठा लेता हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये डिपिंग मेथड इस लार्वल डिपर से। तो अगर ज़्यादा पानी हमारे पास होता है तो इसका एक मेथड होता है और इसको हम इस एंगल पे ऐसे जो है इस्तेमाल करके ऐसे, ताकि ये बिल्कुल पानी जो है इतना भी ना हो कि ओवरफ्लो हो जाए इससे और लार्वे जितने भी हों वो इसमें से बाहर चले जाएं। मैं इसका जूम थोड़ा कम करूं। तो ये हमने एक मेथड लगाया। अब एक मेथड ऐसे, ये गलत मेथड है कि बिल्कुल डुबो दिया और पानी पूरा जो है बाहर, ताकि जो लार्वे हैं वो सब ख़त्म। तो इतना उठाना है हमें लार्वा, और ये इस एंगल में, इस एंगल से, और बिल्कुल ताकि वो पानी गिरे भी ना और जितने भी लार्वा होंगे वो महफूज होंगे। फिर हम उसमें से जो है जितने भी लार्वा होंगे कलेक्ट करेंगे कि एक डिप में हमारे पास कितने लार्वा है। दूसरा फिर दूसरी एंगल से हम जो है दूसरी तरफ से डिप लगाएंगे। तो इस हिसाब से मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये होता है हमारा डिपिंग मेथड इस तरह, जिससे पानी गिरे भी ना और जितने भी लार्वा महफूज। फिर हम उस लार्वा को गिनते हैं और ये ज़्यादातर, ये जो मेथड है ये एनोफेलिस लार्वा में होता है, मलेरिया वाला, क्योंकि इसकी फिर डिपिंग के हिसाब से हम पर डिप जो हम एनालिसिस करेंगे डेटा की, तो पर डिप हम लार्वा निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड निकालते हैं। बाकी डेंगू के लिए जो होता है वो फिर इंडाइसिस होती हैं, लार्वल इंडाइसिस, यानी कि हाउस इंडेक्स, कंटेनर इंडेक्स और ब्रीटू इंडेक्स, वो भी हम आपको बताएंगे।